हेलो दोस्तों, वर्चुअल चैनल में आपका स्वागत है। आईबीपीएस ने आज आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस एसओ एंड आईबीपीएस क्लर्क 2018-19 ये जो आपके सीडब्ल्यूई 8th का जो एग्जाम था उसका प्रोसेस कंप्लीट कर दिया, उसका फाइनल रिजल्ट सभी का डिक्लेयर कर दिया। उसका सेपरेट वीडियो चैनल पे, अपने चैनल पे भी अपलोड पहले हो चुका, आप लोगों ने देख लिया होगा। तो अभी अपने शेयर कर रहे हैं आईबीपीएस क्लर्क 2018-19 का फाइनल कट ऑफ क्या था। तो इसमें ओबीसी और जनरल का भी कर रहे हैं, जैसे ही एससी एसटी और कैटेगरी के बच्चों का भी कट ऑफ कलेक्ट होगा स्टेट वाइज, तो वो भी कलेक्ट करने की, वो भी जल्दी से जल्दी वीडियो बना के अपलोड करके आपसे शेयर करने की कोशिश करेंगे। और जो बच्चे, एक रिक्वेस्ट भी है, जिन बच्चों ने भी अपना रिजल्ट देखा है कैटेगरी के बच्चों ने जिस भी स्टेट के, तो प्लीज शेयर करें कि फलां स्टेट से फलां कैटेगरी की ये कट ऑफ रही है, ताकि वो जल्दी से गैदर करके और आपसे शेयर कर सके, जो ज्यादा से ज्यादा बच्चों की जो क्यूरियोसिटी है वो शांत हो सके। देखिए, आप अपने अगर स्क्रीन पे देखते हैं तो इसमें स्टेट्स दिए हैं आपके, और टोटल वैकेंसीज उसमें कितनी थी, और अनरिजर्व ये जो है, और ओबीसी ये सिर्फ आपका अनरिजर्व की आपकी फर्स्ट है, ओबीसी की ये सेकेंड। तो अगर आप इसमें देखें, बड़े स्टेट्स को अगर अपने चलें तो आंध्र जैसे बड़ा है, तो आंध्र में ये रही 59.98 और 48.1, मतलब उससे करीब 3 नंबर के आसपास का इसमें गैप रहा। फिर अरुणाचल प्रदेश, और ये तो छोटे स्टेट हैं। देन आसाम में आप देखें तो वही 50 के अराउंड ही, वहां 59 और ये 54, यहाँ हालांकि गैप थोड़ा बड़ा है, ओबीसी नीचे आई है। बिहार में जनरल की 51.78 और 49, चंडीगढ़ में आप देखोगे तो चंडीगढ़ में 55.18 गई है, और दूसरा एक दिल्ली और चंडीगढ़, ये दोनों ही काफी ऊपर गए हैं। अगर आप छत्तीसगढ़ में देखें तो वो भी 50 के अराउंड ही है, 49.88 है और 48, बट दिल्ली और चंडीगढ़ में 55 क्रॉस किया है। गुजरात में 48.45 है जनरल की, मतलब कई बार जैसे काफी डाउन आ जाती है, वो पोजीशन अब की बार इसमें नहीं बनी है। और दूसरे स्टेट्स के अपने हरियाणा में देखें तो एज यूजुअल, जैसे पिछले सालों में भी आपने देखा होगा हरियाणा पंजाब की कट ऑफ ज्यादा रहती है, इस बार भी 56, मतलब दिल्ली और चंडीगढ़ को भी क्रॉस कर दिया 56.43 और 50 उसमें। हिमाचल 53.05, हिमाचल भी हमेशा अपर साइड में रहती है, जे एंड के भी अपर साइड में रहती है 54.93 आप देखें, ये सभी ऊपर की तरफ है। झारखंड वही एज यूजुअल 50 के अराउंड आ गया, कर्नाटक 51.95, ये ज्यादा गया है। जनरली कर्नाटक भी नीचे की तरफ रहता है, केरला 53, ये भी अपर साइड गया, लक्षद्वीप तो चलो छोटा है। एमपी 51.18 एज यूजुअल जहां वो रहा करता है उसके आसपास ही। महाराष्ट्र भी जनरली कम जाया करता है, लेकिन अब की बात चलो ये 50 की तरफ है। मतलब आप देख रहे हैं कि रेंज 50 और 55 तक, 56.43 हरियाणा अभी तक टॉप देख पा रहे हैं अपने। और इवन आप बैलेंस में भी देखें, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ये तो नॉर्थ ईस्ट में इतना नहीं होता, कई बार कम भी रह जाती है, ज्यादा भी रह जाती है। उड़ीसा का अगर आप देखें वो भी 51 है, पंजाब 56, ये 56 आई थिंक किसी ने इस बार सबसे ज्यादा कट ऑफ में सबसे ज्यादा रहा है पंजाब, देन हरियाणा, फिर चंडीगढ़ और आपका दिल्ली। तो पंजाब 56.58, राजस्थान 53.18, राजस्थान इन जनरल जो एवरेज कट ऑफ है बड़े स्टेट्स की उसके पास रहा करता। तो इस बार भी आप देखें एवरेज कट ऑफ आपकी 48 पॉइंट समथिंग से लेके और 56 तक, 48 और 56, तो ये देखें आप ये फिर 53 के पास गया है राजस्थान, एवरेज में रहता है इस साल भी आपका एवरेज ही है। तमिलनाडु और तेलंगाना, तमिलनाडु 52.43 ये भी अपर साइड रहा थोड़ा, एंड यूपी 51.45 ये तो एज यूजुअल वैसा ही रहा है, उत्तराखंड भी हमेशा ही ऊपर ही रहता है, वेस्ट बंगाल भी ऊपर रहता है 53.28 रहा है। उल्टा ये आप देखेंगे पिछले सालों में तो ये ऊपर वाली लिमिट जो 55-56 है, तो ये 54-5 के आसपास रहना था, तो थोड़ा सा कम रहा। लेकिन कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र इनकी कम रहा करती है, लेकिन इनकी भी आपकी बात, हर जगह आप देख रहे हैं कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, लेकिन बहुत बड़ा गैप आप इनको छोड़ दीजिए, जैसे मेघालय है, मिजोरम है, आप इनमें तो बड़े स्टेट्स में आप देखें
तो उत्तर प्रदेश 51.45 है, पंजाब 56 है, राजस्थान भी 53 प्लस है, तमिलनाडु 52.43 है। मतलब आप इसमें देखेंगे तो इनमें भी हरियाणा 56 है, हिमाचल 53 है और झारखंड है ये भी 50 से प्लस है, कर्नाटक 51.9 52 चला गया कर्नाटक, केरला 53.58 है, मध्य प्रदेश 51, महाराष्ट्र 50 से नीचे में बड़े स्टेट्स में अगर देखना चाहेंगे तो एक आसाम में 49.83 आया है और छत्तीसगढ़ में 49.88 आया है, इसके अलावा गुजरात 48. तो बड़े स्टेट्स में अगर आपने देखें तो गुजरात इज द लिस्ट 48.45 और जो सबसे ज्यादा जो आपके आई है वो आई है पंजाब की 56.5 है, तो 48 और 7-8% का गैप गया है। पहले जैसे छत्तीसगढ़ और गुजरात में काफी वेरिएशन रहता था वो थोड़ा सा कम, आप इसका एवरेज अगर आप देखें तो 52-52.5 के आसपास एवरेज स्कोर गया है, तो उससे गुजरात लिस्ट है वो भी 3-4% से गिरा, कई बार वो 7-8 तक चला जाता, तो इस बार बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिला है। इसका मतलब जो जिन स्टेट्स में लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ जिनका रुझान कम था या तो वो रुझान बढ़ा, या जो दूसरे स्टेट से ज्यादा के बच्चों ने जैसे छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, इसमें नॉर्थ के आपके हरियाणा के बच्चे, राजस्थान के बच्चे, पंजाब के बच्चे, काफी बच्चे जाके एग्जाम देते हैं, इवन आपके यूपी और बिहार के भी काफी बच्चे जाते हैं, तो वहां भी आप देखोगे कि उनको ऊपर की तरफ ले आए, और स्टेट्स में बहुत बड़ा वेरिएशन देखने को है। तो सही वेरिएशन तो आप देखेंगे तो है, ऑब्वियस मैं ये नहीं कह रहा नहीं है, एक पंजाब का बच्चा 56.58 और गुजरात का 48, तो ऑब्वियस है डिफरेंस तो फिर भी बड़ा है, लेकिन पहले से कुछ ये डिफरेंस कम हुआ। तो जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं चैनल की तरफ से उनको कांग्रेट्स, और जो बच्चे नहीं हो पाए हैं वो प्लीज डीमोटिवेट नहीं हो। जो भी बच्चा मेन एग्जाम में अपीयर हुआ है, मान के चलिए उसका प्रिपरेशन का लेवल है वो सिलेक्शन के पास है, अब हो सकता है उसकी स्ट्रेटजी वाइज कोई कमी रही हो या जस्ट थोड़ी सी प्रैक्टिस की और नीड हो, तो मैं उन बच्चों के लिए कहना चाहूंगा कि वो कोई टेस्ट सीरीज खरीदे, एक दो टेस्ट सीरीज करे, एक की बजाय दो खरीदे, और उनको टेस्ट सीरीज में ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दें और अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करें, वीकनेस को इम्प्रूव करें और स्ट्रेंथ है उसको भी आइडेंटिफाई करें कि मेरा कौन सा टॉपिक ऐसा है जो शॉर्ट शॉर्ट है और जिसमें सिली मिस्टेक होती है, टाइम भी कम लगता है, तो जब भी पेपर अटेम्प्ट करें उसको प्रायोरिटी दें और जहां वीकनेस है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें कि कहां सिली मिस्टेक्स हो रही है और उसमें क्या इम्प्रूवमेंट की जरूरत, क्योंकि उनका मैं ये कहना जरूर चाहूंगा कि उनका जो लेवल अभी है प्रिपरेशन का वो एग्जैक्टली सिलेक्शन वाला लेवल। तो आज के सेशन में बस इतना ही, फिर कोई दूसरा सेशन लेके हाजिर हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए नाइस डे।